खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां नरसिंहपुर जिले में 6 जुलाई को नगरीय निकाय के चुनाव होना है, लेकिन इन्हीं नगरीय निकाय चुनावों के ठीक पहले या यूं कहें तो इनके टिकट वितरण में भाजपा अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाई और भाजपा में बागी तेवर उभर कर सामने आए। इसे कहीं न कहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा की असंतुलित कार्यशैली का नतीजा माना जा रहा है, जिसके चलते नरसिंहपुर शहर में 5 पदाधिकारियों ने 25 जून 2022 को त्याग पत्र दिए थे। हालांकि त्याग पत्र 2 दिन पूर्व ही सार्वजनिक त्याग पत्र देने वालों में भाजपा सह प्रवक्ता विपिन बैरागी, गुरुशरण शर्मा बालू महाराज, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शुभम कोस्टी, विकास नेमा और वीरेंद्र खरे ने अपने त्याग पत्र अभिलाष मिश्रा के नाम लिखे। वहीं विपिन वैरागी, पूर्व जिला सह प्रवक्ता ने बताया कि जैसे ही त्याग पत्र सार्वजनिक हुए, आनंद फानंद में फिर अपना हिटलर रवैया अपनाते हुए अभिलाष मिश्रा ने एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित करने का पत्र लिख डाला, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी 6 वर्ष के लिए पार्टी से निलंबित किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आए थे अभिलाष मिश्रा की हठधर्मिता और हिटलर शाही के चलते भाजपा के भारी नुकसान में गिना जा रहा है, जबकि अभिलाष चाहते तो उन सभी वार्डों में कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें मनाया जा सकता था और भाजपा को मजबूत स्थिति में लाया जा सकता था, लेकिन अब स्थिति संदेह के घेरे में है। कहीं अभिलाष मिश्रा का यह रवैया भाजपा को नगरीय निकाय चुनाव में भारी घाटा न दे दे। नरसिंहपुर से बाल मुकुंद कोरी की रिपोर्ट। मंत्री था, वार्ड प्रभारी से, वार्ड अध्यक्ष से मैंने अपनी शुरुआत की। इसके पूर्व मेरे द्वारा समय समय पर जो भी पार्टी के द्वारा आदेश दिए गए, जो भी कार्य दिए, उनको भली भांति किए। आज मोहल्ले के जन जन की कहने पर मेरे द्वारा टिकट मांगी गई, क्योंकि पूरे वार्ड के जो लोग हैं, मतदाता लोग हैं, उनमें मेरा अच्छा वो है, पारिवारिक संबंध है, इसलिए लोगों का कहना था कि एक बार आपको पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। और उस हिसाब से मैंने पार्टी में अपनी यह मांग रखी थी, सभी जो जिम्मेदार नेतागण हैं, पदाधिकारी लोग हैं, सबसे मैंने निवेदन किया था। लेकिन टिकट ऐसे व्यक्तियों को देना जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, कांग्रेस से काम करते थे, पार्टी के लिए हमेशा और जिनके द्वारा क्षति पहुंचाई गई, ऐसे लोगों के लिए टिकट दे दी गई। ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता के लिए पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। जब ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए अगर पार्टी नज़रअंदाज करती है तो स्वाभाविक है ठेस लगती है। और आज मैं चुनाव अपने लिए और स्वयं की उस पर नहीं लड़ रहा हूँ, इस मोहल्ले के जो मतदाता हैं उनके द्वारा मुझे यह चुनाव निर्दलीय फार्म भरवाया गया है, उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जब चुनाव लड़ने की जब स्थिति आती है एक निर्दलीय के रूप में, तो निश्चित ही जिस पार्टी या संगठन से हम जुड़े होते हैं उससे हटना ही पड़ता है। और उसी जब मैंने निर्दलीय लड़ने का पूरा कार्य कर लिया था तो मेरे द्वारा इस्तीफा दिया गया है। अब आगे पार्टी जो